स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपका जो लेसन नंबर 3 है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंतर्गत, इसके इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट जो हैं उसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपके लेसन नंबर 1 और 2 के इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट हल कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको ध्यान से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो स्टोरी थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट का इम्पोर्टेंट प्रोज नंबर एक्सट्रैक्ट नंबर ए। ही स्ट्रिप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप still then took no notice of him. He saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. अब क्या करता है, जो बेबी सीगल रहता है वो क्या करता है, उड़ान नहीं भर पा रहा रहता है, तो क्या करता है, वो कोशिश करके आता है लेज यानी चट्टान के किनारे तक आता है और वहां पर एक पैर को दूसरे पैर पर बिंग में छुपा करके खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें क्या करता है, एक आंख बंद करता है और दूसरी भी बंद करने की कोशिश करता है और ऐसा शो करता है, ऐसा दिखावा करता है कि वो सो रहा है, लेकिन फिर भी उसके जो भाई बहन रहते हैं बेबी सीगल के और उसके पेरेंट्स, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो देखता है कि उसके दोनों भाई जो रहते हैं और उसकी जो बहन रहती है वो प्लेटू के बाद वहां पर अपने हेड को, अपने नेक और हेड को ऐसे संक करके, ऐसे छुपा करके बैठे हुए रहते हैं। क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। सीगल किस चीज से डर रहा था, किस चीज ने उसको परेशान करके रखा था, तो आंसर है द सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, यानी सीगल जो था वो उड़ने के लिए डर रहा था। सीगल्स फैमिली वांटेड टू हेल्प हिम, क्या सीगल की जो परिवार था वो उसकी हेल्प कर रहा था, नहीं। ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ आएगा फॉल्स, क्योंकि सीगल को खुद ही उड़ना था। सी देखो, Who is they in the above lines? यहाँ पर दे का मीनिंग क्या था ऊपर की लाइनों में। पहला सीगल्स फ्रेंड, सीगल्स पेरेंट्स, बर्ड्स और फिश, तो यहाँ पर राइट आंसर है सीगल पेरेंट्स। डी क्वेश्चन देखो, ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स एक्टेड। यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ निकलता है एक्टेड, नकल करना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है वो शब्द pretended. Pretended word जो आया है वो है, उसका मीन होता है एक्टिव। तो ये थे इसके क्वेश्चन, अब चलो देखते हैं इसके अंतर्गत पार्ट बी। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green seat. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger and he couldn't rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him. And their beaks were offering him scrap of dogfish. अब जब वो नन्हा सीगल डरता है, लेकिन जैसे वो कोशिश करता है, उस समय उसके जो परिवार के लोग रहते हैं, जब वो उड़ने के लिए बचता रहता है तो क्या करता है, उसको चिल्लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कमजोर बोलते, कायर बोलते, कि ये उड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जब वो कोशिश करता है उस ग्रीन सी के ऊपर अपने पैर जमाने की, उसमें डूबता है, उसके विंग्स जैसे उड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या रहता है, वो बहुत भूखा रहता है तो उड़ने में उसकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन तभी उसका परिवार उसको चारों तरफ से घेर करके उसको क्या करता है, तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, जिससे उसके अंदर हिम्मत आती है और वो उड़ना और समुद्र में चलना रहना सीखता है। तब वो लोग क्या करते हैं, मारे खुशी के उसको क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, चिल्लाते हैं और डॉग फिश के जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं वो उसकी चोंच में ले जा करके खिलाते हैं। आंसर देखें, क्वेश्चन देखें ए, What was the green flooring? Green flooring वहां क्या था? Green flooring से वहां क्या मतलब था? तो green flooring से मतलब था, the green flooring was the sea. जो समुद्र का जो हरा हरा पानी है ना, वो green flooring जैसे यहाँ पर बोला गया है। B देखें, number B.
सीगल ट्राइड हार्ड टू फ्लाई एज ही वॉज वेरी हंग्री. ट्रू है या फॉल्स? तो है ट्रू. सी देखें, हु मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. फर्स्ट फ्लाइट किसने की? वन ईगल, सेकेंड क्रो, थर्ड बेबी सीगल और फोर्थ मदर सीगल. राइट आंसर है थर्ड बेबी सीगल. डी देखें, आइडेंटिफाई द बर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स समनिंग. समनिंग का जो आइडेंटिफाई सेम मीनिंग निकलता है वो है यहाँ पर बैकनिंग. तो ये हो गए आपके फर्स्ट स्टोरी के, है ना, फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर. अब देखेंगे हम सेकेंड ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट. ए, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. आई लुक्ड एट द कंपास. आई कुडंट बिलीव माई आईज. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अब यहाँ पर वो बताता है लेखक कि इतने ज्यादा क्लाउडी वेदर थे, इतने ज्यादा जो क्लाउड थे कि वहां पर पूरा अंधेरा छा गया और इतना असंभव हो गया कि मैं एरोप्लेन के बाहर भी कुछ देख सकूं. और उसका जो पुराना एरोप्लेन था वो जंप यानी कूदा और राउंड राउंड करके कई बार ट्विस्ट होकर के घूम चुका था. उसके जो कंपास की तरफ देखा तो कंपास वगैरह भी सब बंद हो गए थे और गोल गोल घूम रहा था और सब कुछ जितने इंस्ट्रूमेंट थे उनने वर्क करना बंद कर दिया है. अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं. ए, व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर. आंसर है द एरोप्लेन वाज ट्विस्टिंग इन द एयर एज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट. बी देखें, द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. ट्रू है या फॉल्स? आंसर है ट्रू. सी देखो, द राइटर वॉज फ्लाइंग टू ए वन अमेरिका, सेकंड पेरिस, थर्ड है इंग्लैंड, फोर्थ है हॉलैंड. यहाँ पे राइट आंसर है थ्री, इंग्लैंड. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सडनली. सडनली का अपोजिट क्या होता है? सडनली यानी अचानक से, और उसका अपोजिट होता है ग्रेजुअली. ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे क्रमशः. सेकेंड, There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I couldn't see where I was. I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. I had no lights on its wings, but it could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. फॉलो मी ही वॉज सेइंग फॉलो मी. अब मैं बोल रहा कि वहां पर जब सारे कंपास इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए तो वो क्या हो गया था? परेशान हो गया था. उसको कोई एरोप्लेन नहीं दिख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एक दूसरा हवाई जहाज दिखाई दिया और हवाई जहाज के पायलट ने उसकी तरफ हाथ हिला के क्या बोला? मुझे फॉलो कर. क्वेश्चन देखें, वाई कुड द राइटर्स नॉट सीइंग एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. एरोप्लेन के बाहर कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? आंसर, The writer could not see anything outside the aeroplane as it was dark outside due to the dark cloud. क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था काले बादलों के कारण. B, the writer was able to contact Paris control room. True or false? Answer है false. C, देखो, the writer was flying. Right answer क्या हो जाएगा? Fourth, Dakota DS-088. D, देखो, which word in the extract means An instrument to find direction. जो direction दिशा दिखाता है उसको क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं. तो बच्चों ये थे important question answer.